पूरी दुनिया बड़ी बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार कर रही है। इसमें वीआईपी और नॉन वीआईपी के कैटेगरी नहीं होनी चाहिए कि आपकी दो महीने पहले एंटीबॉडी जो बनी थी वो खत्म हो रही है। अरविंद जी, वैक्सीन का कितना बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं और क्या प्लान बना रहे हैं हम लोग ताकि दिल्ली में सब जनों को मिले? देखिए, इट्स यू हैव टू प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन नीड। इन दिल्ली एवरीबॉडी इज अ वीआईपी, सो हाउ विल यू मेक दिस वैक्सीन डिलीवरी प्लान एंड हाउ इंपेशेंट आर यू ईगरली आर यू वेटिंग इट? मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया बड़ी बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार कर रही है और हम लोग भी कर रहे हैं, पर इसके बारे में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान होगा वो तो शायद केंद्र सरकार बनाएगी। इफ दे आस्क फॉर आवर सजेशंस, तो मैं ये समझूंगा कि इसमें वीआईपी और नॉन वीआईपी के कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। एवरीवन इज इक्वल, हर एक की जिंदगी इंपॉर्टेंट है और हर एक आदमी बराबर है। इसमें हमें अलग अलग किस्म से करना चाहिए कि सबसे पहले जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उन लोगों को वैक्सीन दे दिया जाए ताकि वो ज्यादा हिम्मत के साथ सामने आके, जो अभी भी हिम्मत कर रहे हैं वो बेचारे, काम कर सकें। उसके बाद जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, मे बी द सीनियर सिटीजन्स, उसके बाद जो कोमोबिडिटी वाले हैं उनको, तो इस तरह से अगर कैटेगरी बनाई जाए विच इज मोर टेक्निकल इन नेचर रादर देन पॉलिटिकल इन नेचर, आई थिंक दैट वुड बी, आई वुड प्रेफर दैट। कुछ महीने पहले ना हम लोग सब इसके बारे में बातें कर रहे थे कि हम सेरो सर्वे करा रहे हैं, पहले में इतने परसेंट आए, फिर 29% हो गए और वी विल रीच अ पॉइंट वेयर वन डे जस्ट मैनेज टू हिट दिस हर्ड इम्यूनिटी आइडिया। आई मीन दिस वॉज ऑलमोस्ट अ गोल ऑफ एवरीबडी, यू नो, इफ वी कीप डूइंग दिस सेरो सर्वेस वी अंडरस्टैंड वेदर वी आर रीचिंग दैट पॉइंट और नॉट। हैज दैट कॉन्सेप्ट नाउ बिकम a pipe dream? Have you realized that it's probably unachievable? आपने अभी जो पूछा था थोड़ी देर में पहले क्वेश्चन, ये कोविड को लेके अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है, अब जो सीरो सर्वे कर रहे हैं उसमें परसेंटेज कम हो गई, कम आ रही है, इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। तो अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि जिनको दो महीने तीन महीने पहले हुआ था उनमें एंटीबॉडी खत्म हो गई है, अब ये पहली बार पता चल रहा है। किसी को नहीं पता था कि कोविड का ये कैरेक्टर भी है कि आपकी दो महीने पहले एंटीबॉडी जो बनी थी वो खत्म हो रही है। अभी तक ये केसेस तो नहीं आए कि किसी को दोबारा कोविड हुआ हो। अगर ऐसे बहुत सारे केसेस होते तो हमें ऐसा लगता कि शायद कोविड दो बार भी होता है, तीन बार भी होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लेकिन ये केसेस बहुत सारे आ रहे हैं कि जिसको दो महीने तीन महीने पहले कोविड हुआ था उसकी एंटीबॉडीज खत्म होती जा रही हैं। अब जिसकी एंटीबॉडीज खत्म हो गई है उसको क्या दोबारा कोविड हो सकता है क्या? वी डोंट नो।